बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल मेहर गुड लाइफ। और सबसे पहले वही के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और ये देखिए यहाँ पे जो है ना लाइट कितनी अच्छी आती है। हमारा जो डाइनिंग एरिया ना, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती है, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठना। तो ये जो है ना न्यू सेटिंग है जो मैंने की थी, और ड्राइंग रूम की इस सेटिंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो है ना अच्छी सेटिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बन रहा है पास्ता, और मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है ना वो बच्चों ने कहा कि पास्ता बना दें, तो यहाँ पे मैं जो ना वेजीज़ मैंने यहाँ पे वॉश करके रख ली हैं, और जो जो लेफ़्ट ओवर जो है ना मेरे पास सामान था तो मैंने वो निकाल लिया है फ्रीज़र में से। तो इस वीक की जो ग्रॉसरी थी ना उसमें मैंने कोई भी फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट नहीं परचेज़ किया था। वो इसलिए क्योंकि उसकी एक वजह थी, और वजह ये है कि हमने जो है वो ट्रैवल करना था नेक्स्ट वीक में, तो इसकी वजह से बस मैं जो लेफ़्ट ओवर सामान था फ्रिज का वो ख़त्म कर रही थी। तो अब मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया, क्या क्या फ़न किया हमने। मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग जो है ना वो ब्लॉग ज़रूर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग्स हैं। और किन कंट्रीज़ को हमने विज़िट किया तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो जो है ना आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी कि अगर आप लोगों ने उन कंट्रीज़ को कभी भी विज़िट करना है तो आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ज़रूर आप जो है ना वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो मैंने आज जो है रेसिपी है आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि पहले भी मैं इसकी रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसके अलावा भी जो है ना मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए आपको आइडिया हो रहा होगा। तो एक ही तरीके से मैं बनाती हूँ, इस तरह से ही बस इजी सा मैं बनाती हूँ क्विक वाला पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता हो चुका है रेडी, और मैंने जो है वो सर्व कर दिया था बच्चों को, जो है वो मैंने डाल के उनको दे दिया था। और जैसे ही जो है ना मैंने बस बनाया है तो बच्चों को इंतज़ार था कि कब जो है ना बनेगा और कब हम खाएंगे, तो वो ले गए थे अपने लिए। और ये है मेरा और हस्बैंड का, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी डली हुई हैं क्योंकि बच्चे जो है वो वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो पास्ता खाने के बाद जो है अब मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में, और ये हैं टमाटोज़ जो कि अभी लेफ़्ट ओवर थे, बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो ब्लेंड करके इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये है कि बाद में भी इसको मैं यूज़ कर सकूँगी आसानी से। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ चुकी हूँ, अब फाइनल मेरा जो काम है ना आज के दिन का जो बड़ा टास्क है वो है आयरन। और कपड़े मैंने जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए थे सबके, कि किसके कौन से कपड़े लेके जाने हैं। और ट्रैवलिंग में जो हूँ ना मैं क्या करती हूँ कि कपड़े जो है वो प्रेस करके लेके जाती हूँ। इसके अलावा आयरन भी छोटी सी है मेरे पास ट्रैवलिंग साइज़, तो वो भी मैं अपने साथ जो है ना वो कैरी करती हूँ, क्योंकि कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आयरन नहीं भी होती और कुछ होते हैं जिनमें होती है, तो फिर ना आयरन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा भी नहीं लगता कि हमने जो कपड़े पहने हुए हों तो उस पर आयरन ना हुई हो। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा सामान पीछे भी नज़र आ रहा होगा, तो वो इसलिए है क्योंकि हम जो है ना वो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, और गाड़ी के लिए ही ये सामान है सारा, क्योंकि गाड़ी में जब ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए ना काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये जो है ना कपड़े हैं हस्बैंड के, जो मैंने अलग से करके यहाँ पे चेयर पे रखे हुए हैं, और अभी मैं प्रेस कर रही हूँ बच्चों के कपड़े अब्दुलरहमान के, और उसके बाद महा और अफरा के करूँगी, उसके बाद जो है वो अपने भी करने हैं मुझे और हस्बैंड के भी। तो आयरन करके और फोल्ड करके मैं रखती जा रही हूँ कपड़ों को, और साथ ही जो है वो चाय भी इंजॉय हो रही है। माशाल्लाह से काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मैंने ना इस्त्री करने हैं अभी, तो उसके लिए ना मुझे फ्यूल चाहिए, और फ्यूल मेरा जो है वो चाय है। तो चाय जो है ना वो मुझे बहुत ही मेरी थकन जो है वो उतार देती है, बल्कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि चाय जो है ना वो जब पीते होंगे जब उनको बहुत ज़्यादा थकन हो गई हो या इस तरह से स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो मेरा भी यही हाल है कि मुझे चाय जो है ना वो ज़रूरी चाहिए होती है। तो ये शाम की ही बची हुई चाय थी, थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ जो है वो मैं चाय भी पी लूँ। तो यहाँ पे अब ये अब्दुलरहमान की देखें पैंट्स हैं जो कि मैं इस्त्री कर रही हूँ, और इनको भी फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद जो है वो मैंने माह और अफरा के भी कपड़े इस्त्री करने हैं जो कि ये हैं, और नीचे बैठ के जो है ना मैं आयरन अमूमन नहीं करती क्योंकि आयरन स्टैंड है तो मैं उसी के ऊपर करती हूँ, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़े थे तो मैं थक जाती खड़े खड़े, इसकी वजह से मैंने सोचा कि बैठ के ही इस्त्री कर ली जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब सबको भूख लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे रात को, और इस्त्री करते करते बच्चे भी जो है वो उठे होते हैं क्योंकि स्कूल जो है वो जाना नहीं है। तो बैग्स जो है वो अपने बना लिए थे बच्चों ने क्योंकि हमने नेक्स्ट डे जो है वो ट्रैवल करना था, तो बैग्स बच्चों के रेडी हैं। तो साथ ही साथ जो है मैंने बना लिए थे नूडल्स और मैजिक कॉर्न भी बना लिए थे, क्योंकि अफरा जो है उसने कहा था मुझे कॉर्न्स खाने हैं और बाकी सब ने जो है वो नूडल्स खाने थे, तो मैंने बस इनको ना कप्स में ही डाल दिया था, ईजी रहता है ऐसे खाना।
तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े भी डन कर लिए थे, अपने भी और बच्चों के भी पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो है ना हस्बैंड के कपड़े हैं और सारे ही कलर मैं कोशिश करती हूँ रख लें, क्योंकि जो है ना वो अच्छे लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो पहने। तो अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये वाले जो है ना वो नूडल्स किस किस को पसंद है, ये हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे और हम लोग सारे बहुत ज़्यादा शौक से ये खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या हम खा रहे हैं, ये है ककड़ी, इसको हम अपने ज़बान में तो कहते हैं ककड़ी, अब आप लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। इसके पर जो है ना चाट मसाला डाल के खाया जाए, ये बहुत मज़े का लगता है, और आजकल जो है ना वो सीज़न भी है इसका, तो ये ना बहुत अच्छी फ्रेश आई हुई हैं, तो मुझे जब भी बाज़ार में नज़र आती हैं तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुके थे, तो मैंने जो है ना इनको अच्छे से अरेंज करके और रख दिया है बैग में। तो ये बच्चों का बैग है और साथ में जो है ना वो हमारा बैग है, मेरा और हस्बैंड का। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सूट केस के नीचे जो है ना वो एक बड़ा सा शॉपर जो है वो बिछाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कपड़े जो है वो इस तरह से गंदे भी नहीं होते, अगर कुछ सूट केस में लगा हुआ हो तो वो जो है ना वो गंदे भी नहीं होते, और साथ में क्या है कि आपका जो शॉपर है वो यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो है ना वो शॉपर चाहिए होता है लेकिन हमें जो है वो नहीं भी मिल रहा होता, तो इस तरह से ना काम आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मेरी पैकिंग हो चुकी थी डन कपड़ों की, और बीच वाले जो पोर्शन है इसके अंदर मैंने सॉक्स रखे हैं बच्चों के, और जो है ना एक सेक्शन है अब्दुलरहमान के कपड़ों का और दूसरा जो सेक्शन है वो है महा और अफरा के कपड़ों का। तो इस तरह से ना अरेंजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, और जब भी हम ट्रैवल करें तो उसमें इस तरह की सेटिंग होनी चाहिए कि हमें ड्यूरिंग ट्रैवल बहुत मुश्किल ना हो बल्कि ईजिली हर चीज़ अवेलेबल हो। चलें जी ये तो हो चुका है बच्चों का बैग डन, अब है बारी मेरे और हस्बैंड के बैग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने जो बैग निकाला था ना ब्लैक वाला, उसके अंदर जो है वो कंप्लीट कपड़े नहीं हमारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब इसको इस वाले बैग में ट्रांसफ़र कर लिया जाए, क्योंकि ये वाला जो बैग है ना ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिप वाली साइड है इसमें मैंने अपने अबाया की कैप्स रखी हैं, इसके साथ साथ अपने नकाब रखे हैं और सॉक्स रखे हैं अपने और हस्बैंड के, तो ये एक तरफ हो गए, तो ये मुझे हमें ना ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ईजिली हमें मिल जाएंगे। और साथ साथ जो है ना ये मैंने जो है ना अभी यहाँ पे कपड़े लगाना स्टार्ट किए हैं, और कुछ ही देर में जो है वो कपड़े अरेंज हो गए थे जी। तो फाइनली फाइनली पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, और काफ़ी टाइम इसको लगा मुझे क्योंकि प्रेस जो है ना वो सारे ही कपड़े मैंने करने थे, तो ये मुझे पता था कि काफ़ी टाइम इसमें लगने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया है और ये मैंने जो है ना सामान एक जगह रख लिया है, और ट्रैवलिंग के दौरान जो है जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैंने रख ली है। यहाँ पर कुशंस हैं, एक छोटा ब्लैंकेट है, जानमाज है, और बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने एक जगह करके रख ली हैं, ताकि जो है ना हमें किसी भी तरह की चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, और खाने की चीज़ें वगैरह भी हमने सारी रख ली थी एक जगह करके। तो यहाँ पे अभी हम निकल चुके हैं कुकू को छोड़ने के लिए अपने भाई के घर में, और ये जो है ना वो मैं अपने भाई के पास ही छोड़कर जाती हूँ, क्योंकि वो जो है ना उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करता है और मुझे सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र होती है जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कि इसका जो है ना बस ख्याल अच्छे से कोई रख ले, क्योंकि इसको जो है ना काफ़ी स्पॉइल किया हुआ है मैंने, हर चीज़ जो है वो टाइम पे इसको चाहिए होती है, क्योंकि ये वाले जो पैरट्स हैं ना इनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं और हर एक का बिहेवियर भी नोट करते हैं कि कौन इनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है या ट्रीट कर रहा है, तो वहाँ पे वो खुश रहता है और मुझे भी ज़रा बेफिक्री हो जाती है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए, तो क्योंकि हमने जो है ना सुबह ही ट्रैवल करना है, तो अभी जो है ना मैंने कुछ भी नहीं बनाना था और बस काम ही समेट रही थी, सारे अपने जो के पैकिंग के भी थे और काफ़ी सारे थे जो घर से रिलेटेड भी थे, तो बस मैंने वो करने थे। और यहाँ पर जो है ना कराची ग्रिल है, हमारे घर के पास में ही है, तो यहाँ से हम ले लेंगे चपली कबाब के साथ दाल। इनका जो खाना है ना बहुत ही अच्छा होता है, और मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस होटल के रिव्यूज़, और इनकी काफ़ी सारी यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं, और हमें भी और बच्चों को सबको ही यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल अथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट है, और इनके रेट्स जो हैं वो भी रीज़नेबल हैं, इसके अलावा जो है ना वो क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो बस हमने खाना ले लिया था और खाना लेके हम आ चुके हैं घर, और खाना खाने के बाद हमने सामान जो है वो गाड़ी में रखना था, क्योंकि सुबह सुबह हमने निकलना था सफ़र के लिए। तो ये वाले जो व्लॉग था वो मेरा तैयारियों का व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो जो है ट्रैवल व्लॉग होगा, हमने जो है ना वो कतर से कहाँ ट्रैवल किया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। तो तब तक आप लोग ज़रूर गेस कीजिएगा कि हम लोग जो है ना वो कौन से कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग, तो दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो को करते हैं एंड, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फी अमान अल्लाह।